अस्सलाम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेजबान आदिल रफीक और आप देख रहे हैं रकमी मीडिया। नाजरीन आज हम पाटपतन में मौजूद हैं। पाटपतन की एक ऐसी फीमेल एक्ट्रेस से आपकी मुलाकात करवाएंगे जिन्होंने एक शॉर्ट फिल्म में हिस्सा लिया और अपनी एक्टिंग स्किल्स की वजह से इनको शॉर्ट फिल्म मिली। आइए इनसे बात करते हैं कि इन्होंने ये फिल्म कब से स्टार्ट की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम क्या हाल है आपका? जी अल्लाह का शुक्र। मैम सबसे पहले आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि आपने ये जो शॉर्ट फिल्म की है वो किसके हवाले से है? ये हमारी शॉर्ट मूवी एक आर्मी के हवाले से है और आर्मी को हम लोगों ने एक उनको फ्रेजर तकसीम करने के लिए उनके हवाले से ये मूवी बनाई है। अच्छा इस फिल्म की स्टोरी क्या है? इस फिल्म की स्टोरी ज्यादा नहीं, बस नॉर्मल है कि एक बच्चा है जो एक शहीद बाप का बेटा है, वो भी अपनी ख्वाहिश रखता है कि मैं भी एक आर्मी में जाऊँ और एक फौजी बनो, पर माँ उसकी परवरिश करती और फौज में भेजती। अच्छा आप एक हाउसवाइफ हैं, तो आपने फिल्म को कैसे टाइम दिया और आप घर को कैसे टाइम दे पाती हैं? किस तरह आप टाइम मैनेज करती हैं? हाउसवाइफ हूँ लेकिन बस ठीक है, अपना काम भी इंसान को करना होता है, अपना घर भी संभालना है, बच्चों को भी संभालना है और मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड नहीं है लेकिन माशाल्लाह हमने प्रॉपरली टाइम दिया अपनी टीम को, अपने इस वर्क को, इसको इतना अच्छा एक कामयाब बनाने के लिए हम पूरी दिलो जान से मेहनत की है और इसमें हमारा किसी अदारे ने हमारा साथ नहीं दिया, हमने खुद ही इसको मैनेज किया है, सबने मिलजुल कर इसको मैनेज किया सबने। अच्छा क्या आप हमारे व्यूवर्स को बता सकती है कि ये मूवी कब तक रिलीज हो रही है? ये इंशाल्लाह जल्द रिलीज होगी, इंशाल्लाह मार्च के महीने में ही हो सकती है और शायद अगले महीने हो जाए। आपने जो फिल्म बनाई है वो तकरीबन कितने मंथ तक मतलब कि कंप्लीट हुई है? ये माशाल्लाह कोई 2-3 मंथ में ये कंप्लीट हो गई थी। अच्छा इस मूवी के जो एक्टर है वो क्या काम करते हैं इसके अलावा, फिल्म बनाने के अलावा मतलब कि किस हवाले से जॉब्स कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं? स्टूडेंट है वो? माशाल्लाह स्टूडेंट है और उनका ये शौक था मूवी का, अपनी पढ़ाई को भी टाइम देना और इस शोबिस को भी टाइम देना, माशाल्लाह बहुत अच्छा उन्होंने ये किया काम, वो एक स्टूडेंट है, कोई जॉब नहीं करते। अच्छा आपको इस फिल्म के अलावा किसी और प्रोजेक्ट में भी मतलब किधर कहीं से इनविटेशन आया हो इस फिल्म के लिए या किसी भी फिल्म के लिए? आया तो नहीं लेकिन अगर आएगा भी तो मैं अपनी टीम के साथ काम करना ज्यादा बेहतर समझूंगी। आपकी जो टीम है वो अगला मतलब प्रोजेक्ट भी कर रही है? नहीं इंशाल्लाह अगला प्रोजेक्ट हम करेंगे, पंजाब पुलिस के हवाले से हमारा अगला प्रोजेक्ट नेक्स्ट होगा हमारा इंशाल्लाह, वो भी आपको फिर नजर आ जाएगा जब बनेगा। अच्छा आपकी इस फिल्म में आपका क्या रोल था? मेरी इस मूवी में मेरा रोल एक माँ का रोल था और आई एम वेरी प्राउड फील कि मुझे एक माँ का रोल मिला और मैं खुश हूँ और एंड द नेक्स्ट टाइम भी शायद मुझे इसी तरह का कोई रोल मिले तो मैं माशाल्लाह जरूर करूँगी। अच्छा आपको इस फिल्म के लिए कितनी स्ट्रगल करनी पड़ी? स्ट्रगल ज्यादा तो नहीं है क्योंकि एक शॉर्ट मूवी, तो हाँ मेहनत की है, बच्चों ने की है मैंने हम सब ने मेहनत की है। एक तो सर्दी का मौसम था तो कुछ वो पानी का सीन कुछ ये वो बहुत कुछ मैनेज करना पड़ा, बच्चे बीमार भी हुए उसमें अच्छा खासा, यानी कि हमें ना इसमें थोड़ा सा दिक्कत पेश हुई एक सर्दी के हवाले से। अच्छा आपको इस फील्ड में तकरीबन कितना अरसा हो गया आए हुए? मुझे इस फील्ड में 1.5 साल ही हुआ, ज्यादा देर तो नहीं हुई, हम एक तरह से हम न्यू हैं, इतना कुछ हमने किया नहीं, ये हमारी फर्स्ट टाइम शॉर्ट मूवी है। अच्छा तो आप एक हाउसवाइफ है तो आप इस फील्ड में आई हैं, तो आपके रिश्तेदार या आपके रिलेटिव्स जो है वो इस फील्ड को अच्छा समझते हैं और आपका साथ देते हैं या नहीं? अगर आप ये कहें कि रिश्तेदार, वो तो सभी के आपको पता है जो चढ़ते सूरज को सलाम सब करते हैं और जो ढलता है उसको सभी ऐसे कहते हैं कि जी ये है वो है, एक तरह से हमें बातें तो सुननी पड़ती है ना सबकी, चाहे अच्छा करे बुरा करे बातें जरूर सुननी पड़ती हैं, जो हमारे रिलेटिव होते हैं ना सबके ही वो इसी तरह के ही होते हैं। ये जो बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं ना, बड़े बड़े अदाकार हैं, ये जब छोटे थे तो उनको भी बातें सुननी पड़ी, आज वो उनको सलाम है तो हमें भी बातें सुननी पड़ेंगी अभी तो फिलहाल।
आप ये बताएं कि इस मूवी का नेम क्या है? हमारी मूवी का नाम माशाल्लाह रखवाले है, जो हमेशा सरहदों पे रखवाली करते हैं हमारी, हमारा तहफ्फुज़, हमारी सिक्योरिटी करते हैं, इसलिए हमारे अपनी मूवी का नाम भी रखवाले रख दिया। अच्छा, आप ये बताएं कि इस मूवी का जो है वो मतलब के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और हीरो कौन है? हमारी इस मूवी का डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर शराज साहब है।